शाम को एक होर्डिंग भेजा किसी ने, शायद उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश का था, मोदी जी की फोटो लगाकर लिखा हुआ था, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और नीचे लिख दिया बम बम मोदी। जैसे ये पाकिस्तान में जाकर जो कहते हैं कि हमने हजारों किलो बम दाग के आने का काम किया, ये प्लेन उड़ाकर मोदी जी ने ले जाने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज की परिस्थिति यह है कि 14 दिन के अंदर अंदर 53 जवान हमारे आर्मी के, एयरफोर्स के और अर्धसैनिक बलों के शहीद हुए हैं, मगर आज उनकी शहादत के ऊपर हम कैसे रणनीति बनाए कि आने वाले समय में ये हालात और ना बद से बदहाल हो। मोदी जी उस पर काम नहीं कर रहे। 3 दिन हो गए एक ही चीज के ऊपर मोदी जी काम करते हैं कि अभिनंदन को लाने का काम मैंने किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, कारगिल के युद्ध में भी हमारा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और 6 दिन के अंदर उस समय भी हमारा एक पायलट वापस आया था, मगर कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह नहीं कहा कि उस पायलट को लाने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमेशा अपने सेना के पीछे खड़ा होकर उनकी पीठ थपथपाने का काम किया था, मगर आज तो ये हालात है कि अगर दिल्ली के अंदर कोई बैठक होती है तो उसकी फोटो पहले लीक होती है। आज भारत सरकार रणनीति नहीं बना रही, आज तो हमारी सेना बलों पर राजनीति करने का काम कर रही है। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो पूछता हूं भारत सरकार से, जो ये 300 के आंकड़े आप देते थे, उस आंकड़ों को किसी से वेरीफाई कराने का तो काम करे। आज चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, इन देशों की भी जो सैटेलाइट या इन देशों के भी जो टीवी अखबार बातें कर रहे हैं, उनसे तो यह लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी ने बेटी बचाओ, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और ये बड़े बड़े कैंपेन चलाए थे, कहीं ये सर्जिकल स्ट्राइक भी तो इस तरह का एक नया चुनावी कैंपेन तो नहीं। बुजुर्गों, युवा साथियों, हमें गर्व है हमारे सैनिकों पर जो निस्वार्थ भाव से इस देश की सेवा में निरंतर बॉर्डर पर मजबूती से खड़े हैं, मगर आज भी कोई ऐसा सैनिक नहीं है जो वहां से ये फोटो खींचकर भेजता हो कि हमने ये कर कर दिखाया। मगर इकलौते देश में ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनका काम और कुछ नहीं है। जब हमारे 40 जवान शहीद हो रहे थे तो रैली जलसे और अपनी पार्कों में जाकर फोटो खिंचाने का काम कर रहे थे, मगर जब बॉर्डर पर हमारे जवान एक्शन करते हैं उसके बाद तुरंत प्रभाव से टीवी पर आकर अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। साथियों, आज समझना होगा कि इस देश के अंदर इन लोगों ने क्या हालात बनाने का काम किया। मैं तो एक चीज आपके बीच में साझी कर सकता हूं, मोदी जी ने हरियाणा की धरती से, रेवाड़ी से कहा था वन रैंक वन पेंशन को लागू करूंगा। आज किसी फौजी से पूछ लो रिटायर्ड से कि वन रैंक वन पेंशन की हालात क्या है, आज एक भी फौजी खुश नहीं। पानीपत की धरती से कहा था कि बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, हरियाणा की यह हालात है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में हरियाणा बिहार को पीछे छोड़कर 5वें नंबर पर आ चुका है। मोदी जी कहते थे कि केंद्र के अंदर 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, प्रदेश के अंदर रोहतक की धरती से कहकर गए थे चुनाव में 1.25 लाख नौकरियां हर साल हरियाणा प्रदेश में देंगे। ये पत्रकार साथी बैठे, मैं पूछना चाहता हूं
साढ़े चार साल खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बने होंगे, 5 साल मोदी जी को प्रधानमंत्री होंगे, 40,000 भी बालक इन हरियाणा प्रदेश के लगाए। आज तो ये हालात है, 30-32 हजार कर्मचारी तो रिटायर हो गए और नई भर्तियों का क्रेडिट लेना जानते हैं। आज इनके नौकरी के आवेदन देखो, 17,000 ग्रुप डी की नौकरियों के लिए 18 लाख बच्चों को धक्के खाने पड़ते हैं। आज ये हालात प्रदेश के हैं कि नौकरियों के लिए माली की, गेट कीपर की, पीएन की, चपड़ासी की, एमए, एमटेक, पीएचडी करे हुए बच्चों को अपने आवेदन देने पड़ते हैं। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों की सरकार आई जिनके शायद आगे पीढ़ी नौकरी करने वाली भी नहीं, आधे से ज्यादा तो कवारे बैठे हैं जिनको ये भी नहीं पता बालक पालना कितना मुश्किल होता है। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आज आता आता मोदी जी के नौकरियों के प्रोग्राम्स की लिस्ट पढ़ रहा था, कोई कमी नहीं है। मुद्रा से शुरू होती है, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, उसके बाद अलग अलग छोटी छोटी योजनाएं, ये अलग अलग स्किलिंग सेंटर जो बनाए हुए हैं इनके नाम आते हैं, मरहंत का रिजल्ट क्या आता है कि 5 साल के अंदर इतने करोड़ों रुपए इश्तियारों में अपनी फोटो छापने में मोदी जी ने लगाने का काम किया, मैं रिजल्ट आया कि युवा साथियों को कहते हैं पकोड़े बेचने का काम करो। बुजुर्ग युवा साथियों, रुक जाओ, अब तो 40-50 दिन का खेल और रह गया। ये जो हरियाणा की लगभग 56% आबादी युवा है और देश की लगभग 53% आबादी है 40 साल से नीचे है, नौकरी ढूंढ रही है, जो मोदी जी कहते हैं कि पकोड़े बनवाओ, भारतीय जनता पार्टी को पकोड़े बेचने पे मजबूर करने का काम करेगी। बुजुर्गों युवा साथियों, मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, आज हरियाणा प्रदेश में ऐसे लोगों की सरकार है जो बारी बारी कहते हैं हमने करप्शन नहीं करी, हमने बेईमाना नहीं किया। अभी मेरे से पूर्व दादा गौतम कह रहे थे कि अभिमन्यु खर्चा कर रहा है, सड़कें बना रहा है, मगर दुख ये होता है दूसरे दिन सड़क फट जाती है। मैं तो दादा पिछली बार जब रैली के पहले पुरानी पार्टी में दौरा किया था, खर्चा खुर्चा तो पता नहीं, मगर सरपंच गली बनाता था, बोर्ड उस पर अभिमन्यु का लगता था। आज तो ये हालात है, कैप्टन साहब जो ईमानदारी का ढोल पीट रहे हैं, इनके अंडर एक डिपार्टमेंट है एक्साइज एंड टैक्सेशन, जिसके अंदर शराब का टैक्स कलेक्ट होता है, शराब बेचने के लाइसेंसेस दिए जाते हैं। हैरानी यह है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कागजों में जितनी शराब आती है उससे ज्यादा शराब 2 नंबर में बिकवाने का काम बीजेपी के लोग करते हैं। आज ये पैसा खा रहे तरीके से खा रहे, ये कहते हैं हमने चंदा लेना छोड़ दिया, हम तो आमजन की पार्टी है। कोई पूछने का काम करे कि अदानी अंबानी से मसाला बॉन्ड के नाम पर 73,000 करोड़ रुपया या 53,000 करोड़ रुपया, पत्रकार साथी नंबर तो सही बता देंगे, बीजेपी के खाते में 5 साल में कैसे आने का काम हुआ है। बुजुर्गों युवा साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने तो 5 साल में एक चीज सीखी है बहुत माहिर तरीके से कि हमारे बीच में बंटवारा करा दो। जब मेरा चुनाव था, एक ऐसे व्यक्ति का सामना हुआ जो बात करता था जाट नॉन जाट की। अभी मेयर के चुनाव गए, करनाल में कह दिया गया पंजाबी नॉन पंजाबी, हिसार में कह दिया गया बढ़िया नॉन बढ़िया, और सबको मैं स्टेज पे कहूंगा आप मेयर से ज्यादा अनुभवी हो। ये विंग कमांडर अभिनंदन जो पाकिस्तान से वापिस आए, हमारे वीर योद्धा,
ये तो हिंदुस्तानी था, या कोई शक है हिंदुस्तानी था नहीं था? मैं हैरानी की बात है, आज द हिंदू अखबार में पढ़ रहा था, मोदी जी इसको भी जाके तमिल बना के आ गए, इसमें भी बंटवारा कराया है कि तमिल का है, हमारी रक्षा मंत्री तमिलनाडु की है, इसलिए ये सुरक्षित वापिस आ गया। बुजुर्गों, युवा साथियों, अब आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। ये बंटवारा कराने का जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हमें बंटना नहीं, हमारी एकता में ताकत है। आज मंच की ओर देखो, 36 बिरादरी आज आपके बीच में बैठी, और 36 बिरादरी ऐसी है जिसने सामाजिक तौर पर अपने हलके या जिले लेवल पर नहीं, प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल पर अपने समाज पे काम करने का कार्य किया है। और ये ताकत है जो आने वाले समय में परिवर्तन लाएगी, ये ऊर्जा है जो प्रदेश को, जैसे दादा रामपाल गौतम कह रहे थे कि 5 साल नहीं, अगले 15 साल 20 साल तक एक ताकत देने का काम करेगी। और हमारी तो ये सोच है, चाहे वो नौकरियों की बात आए, चाहे वो बुजुर्गों के मान सम्मान की बात आए, हमारे व्यापारियों के और महिलाओं की सुरक्षा की बात आए, कर्मचारियों के अधिकार की बात आए। अभी रजत जी बोल रहे थे कि कल यहां आंगनवाड़ी वर्करों का धरना था। मैं तो आपको बताना चाहता हूं, हमारे एक साथी गेस्ट टीचर है, आज दिख नहीं रहा पत्रकारों में, कहीं लगा हुआ होगा कैमरा लेके। आज आप उठाकर देखो किस प्रदेश में एक महकमा है, वो भी मजबूरी पे धरने पे नहीं है, और वो महकमा है पुलिस का, क्योंकि उनके रूल कहते हैं आप धरना नहीं दे सकते। उसके सिवाय ये सरकार बताए कि पिछले 5 सालों में कोई एक महकमा था जो इस सरकार के खिलाफ धरने पे ना गया। आप गैस टीचर उठा लो, आंगनवाड़ी वर्कर उठा लो, एनएचएम उठा लो, डॉक्टर उठा लो, नर्स उठा लो, साथ होमगार्ड उठा लो, रोडवेज वाले बिजली वाले उठा लो, और तो और आज तो यूनिवर्सिटी वाले भी इस सरकार के विरुद्ध में धरने पर बैठे। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज कर्मचारी वर्ग शोषित, जहां युवा की बात आती है, आज गुड़गांव जैसा जिला जिसमें 17 लाख नौकरियां हैं, आज उस जिले की यह हालात है कि हरियाणा प्रदेश के 2-2.5-3 लाख बच्चों को वहां नौकरी मिलती है। आज महिलाओं की यह हालात है कि अकेला जाने में भी उनको डर लगता है, क्योंकि हमारे प्रदेश में अपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। व्यापारी की यह हालात है कि अगर वो पैसा लेकर बैंक की तरफ जाए तो पता नहीं किस समय बंदूक दिखाकर उसको लूटने का प्रयास किया जाए। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज इस प्रदेश को मजबूत बनाने का समय आ चुका, और इसलिए 9 तारीख को दिसंबर के अंदर सब ने मिलकर यह निर्णय लिया कि जननायक जनता पार्टी को मजबूती से इस प्रदेश में आगे लेकर जाएंगे। मगर 9 तारीख के बाद बड़ी अलग अलग चीजें कांग्रेस वालों की तरफ से, बीजेपी वालों की तरफ से, लोकदल वालों की तरफ से, बसपा वालों की तरफ से सुनने में मिली। कई लोग कहते थे ये तो बालकों की पार्टी है। मेरा तो सौभाग्य है, जब दादा राम कुमार गौतम हो, सरदार निशांत सिंह हो, डॉक्टर कृपा राम पूनिया जी हो, तेलुराम जोगी जी हो, अनंत राम तंवर जी हो, अगर ये युवा बनकर काम कर रहे हैं तो आप सोचो हमारे में कितनी एनर्जी है। बुजुर्गों, युवा साथियों, ये भी कह दिया 200-300 छोरों का टोल है, वो 200-300 छोरों का टोल लाखों की भीड़ जींद में इकट्ठी कर गया, वो 200-300 छोरों का टोल पहला चुनाव लड़ा, उपचुनाव सरकार के विरुद्ध, जब लोग कहते थे जमानत जब्त हो जाएगी। बुजुर्गों, युवा साथियों, जो लोग हमारी जमानत जब्त कराने की बात किया करते थे, मेरे ख्याल से 6 गुना जमानत जब्त लोगों ने उनकी कराने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों,
कांग्रेस वाले कहते थे ये तो बच्चों की पार्टी है। मैं तो उनसे पूछता हूं, उन कांग्रेसियों से, कि अगर बच्चों की पार्टी से मुकाबला था तो तुम्हारा तो केंद्र का राहुल का खास व्यक्ति चुनाव की टिकट में लेकर आया था, जो मुख्यमंत्री की दावेदारी करता था, और उस व्यक्ति को 16,000 वोटों से एक 28 साल के छोरे ने पीछे छोड़ने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो अभी भी सुन रहा था, कल परसों आपके पड़ोस के हाँसी में बातें कही गई हमारे लिए, ये कह दिया गया ये तो लालची थे, इनकी तो सोच विचारधारा ऐसी थी, ये तो बिगाड़ना चाहते थे, कांग्रेस के एजेंट थे। बारी बारी हम पे यही आरोप लगाए जाते हैं कि जैसे हमने किसी एक बड़े महल को मार्केट में बेचकर सारा पैसा लेकर उससे बड़ा महल बनाने का काम किया है। बुजुर्गों, युवा साथियों, हम ना तो झंडा लाए, ना डंडा लाए, ना नाम लाए, ना उनके खाते के पीछे लाए, मैंने ये तो बता दो अपराध के किया है। हमने तो अपने दम पर लोगों को संगठित किया, उन लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि एक संगठन का निर्माण, और वो निर्माण इस प्रदेश के परिवर्तन का, इस प्रदेश को एक नई दिशा देने का हो, इस प्रदेश की तस्वीर तकदीर बदलने का। और बुजुर्गों, युवा साथियों, एक चीज पिछले 4 महीनों में सीखी है कि लोगों का सम्मान और लोगों का प्यार परिवर्तन लाता है। और ये झंडे डंडे तो चौधरी देवीलाल ने बहुत बदले, मेरे ख्याल से जनता दल हो, जनता पार्टी हो, लोक दल हो, समता पार्टी हो, चौधरी देवीलाल तो संगठन बनाया करते थे और लोग चोरी करके ले जाया करते थे, पर चौधरी देवीलाल के मुंह पे एक बार भी निराशा नहीं आई। चौधरी देवीलाल ने तो हमेशा ये प्रण लिया कि मैं अपने बंदे के साथ खड़ा हूंगा, झंडे की लड़ाई नहीं लड़ूंगा, और उनने आपकी लड़ाई लड़ी, कमेरे की लड़ाई लड़ी। और मैं तो आज ये कहता हूं कि हमने उसी कदम पर आगे बढ़ते हुए इस प्रदेश की उन्नति की लड़ाई लड़नी है, इस प्रदेश की प्रगति की लड़ाई लड़नी है। जो लोग आज इस प्रदेश को बांटना चाहते हैं, जो लोग इस प्रदेश को तोड़ना चाहते हैं, उन लोगों को करारा जवाब देने का काम करना है। और साथियों, मैं तो एक चीज कहूंगा, हौसले की उड़ान है कभी रुकेंगे नहीं, हौसले की उड़ान है कभी रुकेंगे नहीं, मुश्किलों के सामने कभी झुकेंगे नहीं, लक्ष्य है परिवर्तन का, खुशहाली का, कदमों में है दम, कभी थकेंगे नहीं, आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। मेरी तो आपसे एक विनती है कि लोकसभा का चुनाव सर पे, केवल मात्र लोकसभा के चुनाव के अंदर 30, 35, 40 दिन ज्यादा से ज्यादा का समय, और उस दौरान भागम दौड़ी के अंदर बहुत जिम्मेवारियां आएगी, अपनी लोकसभा की भी और बची 9 लोकसभाओं की भी। मगर यह निवेदन करता कि आज आपने संकल्प लेना है, आपने ये प्रण लेना है कि आप दादा रामकुमार गौतम बनकर, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बनकर, दुष्यंत बनकर इस लड़ाई को खुद लड़ने का काम करेंगे, संभालने का काम करेंगे। और मैं तो तमाम साथियों से ये निवेदन करता, लोग भ्रम फैलाएंगे, लोग प्रयास करेंगे हमें रोकने का, हमें टोकने का, हमें बांटने का, मगर रुकना मत। एक चीज मैंने जब पहली बार हिसार आया था, ये सारे प्रकरण के बाद जब कही थी, चाहे कांटे लगे चाहे छाले पड़े, चलना है तो चलना है, दरिया की जिद है रास्ता नहीं दूंगी, हमने भी तय कर लिया समंदर पार करना है, और उस समंदर को पार करने के लिए अगर हमारे लिए कोई पहली जिम्मेवारी है तो वो पहली जिम्मेवारी लोकसभा के चुनाव की है। जब मैं पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहा था तो बारी बारी ये बात कही जाती थी, ऊपर मोदी नीचे चौटाला, कही जाती थी, नहीं कही जाती थी, बारी बारी ये प्रयास किया जाता था कि मोदी वाले वोट ले लो, बचे वोट छोड़ दो। मैं तो एक गया था, आपने जिताकर भेजा था, 7 तो बीजेपी के थे, मुझे ये बता दो पार्लियामेंट के माध्यम से उन 7 ने कोई मेरे 10% भी हरियाणा की आवाज उठाने का काम किया?
पार्लियामेंट के अंदर मेरे से सारे मिला ले आते भी बोले हूं। बुजुर्गों युवा साथियों, जब तक क्षेत्रीय दलों की ताकत पार्लियामेंट में बढ़ाने का काम नहीं करोगे, जब तक आपकी आवाज इस देश की सरकार की कान में नहीं गूंजेगी। आपने चौधरी देवीलाल जी को ताकत दी थी, 10 सांसद जिताकर भेजे थे, जिताकर भेजने के बाद नतीजा आया तो आपको इस देश को चलाने का मौका दिया, मगर वो तो त्याग पुरुष चौधरी देवीलाल थे जिनने अपने वचन के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को इस देश का नेतृत्व दिया। बुजुर्गों युवा साथियों, पर निवेदन यही है कि आज इस देश के अंदर अपनी भावनाओं को रखने के लिए समाजवादी पार्टी के 5 सांसद जीत कर गए थे। मैं भी उस हाउस में बैठता था, हम तो 2 थे, गला फाड़ लेते थे तो भी नहीं सुनती थी, मगर वो 5 लोग इस देश की पार्लियामेंट को रोकने का दम रखते थे। बुजुर्गों युवा साथियों, तमिलनाडु से AIDMK के जीत कर गए थे, बंगाल से TMC के जीत कर गए थे, आपके बीजू जनता दल के TDP के ये क्षेत्र दल थे जिसने मोदी को बारी बारी 5 सालों में झुकाने का काम किया, मगर आज समय आ चुका, लोग फिर आकर यही बात कहेंगे कि ऊपर BJP नीचे JJP, इस बहम में ना फंस जाइयो, ऊपर नीचे दोनों तरफ JJP को वोट डालने का काम आपने करना है। और मैं तो ये विनती करूंगा कि आज जिस तरीके से आपने संगठन को संभाला है, अब इन 40 दिनों के अंदर घर घर जाकर वोट बनाने का काम करें। और बुजुर्गों युवा साथियों, कोई BJP में है, कोई कांग्रेस में है, उसको हमें छोड़ना नहीं है, कहीं ये सोच लो ये आएगा नहीं इसको छोड़ दो। मैं तो उस सोच का व्यक्ति हूं, जब नरमे की चुगाई करते हैं तो सारे लेने के बाद अगर कच्चे टिंडे रह जाते हैं तो भी लाकर छात पर सुखाते हैं, नहीं सुखाते, और इसका इंतजार करते हैं कि 10-15 दिन में फुटारा आएगा। तो बुजुर्गों युवा साथियों, उस फुटारे का इंतजार करो, 15 बार उसके घर जाना पड़े 15 बार जाओ, मगर उसको अपनी पार्टी का सदस्य बनाकर अपने संगठन को मजबूत करने का काम करो। और कई ऐसे हमारे पुराने साथी भी हैं जो बारी बारी मुलाकात करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मगर फिर अपना दुखिया भी गा देते हैं, कहते हैं दिल तो आपके साथ है, धड़ अभी भी वही है, ये 2 हिस्सों में बंटवारा ना करो, दिल और धड़ एक कर साथ आओ, ये आपका संगठन है, आपने इस संगठन को आज खड़ा करना है। आज तो 40 दिन में अपना कुनबा लाखों का हुआ है, मगर 38,000 वोट जो जींद में आए उसने आपकी शक्ति तो दिखा दी, मगर 38,000 वोटों से राज तो नहीं बनेगा। हरियाणा प्रदेश में राज बनाना है साथियों, तो हमें 38 लाख का आंकड़ा पार करना पड़ेगा, और उस 38 लाख के आंकड़े को पार करने के लिए एक एक व्यक्ति से संपर्क साध कर हमें उसको अपने संगठन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। मैं तो प्रयास कर रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय लेवल के नेता जितने मंच पर बैठे हैं ये प्रयास कर रहे हैं, सरदार निशांत सिंह जी प्रयास कर रहे हैं, मगर इनका प्रयास एक और पर, मगर जो बूथ लेवल पर संगठन में नए सदस्य जोड़ने हैं वो प्रयास करने का काम आपको करना है। और आप जितनी मजबूती से मेहनत करोगे, जितनी लगन के साथ परिश्रम करोगे, उतनी जल्दी आपको इस प्रदेश में बदलाव दिखेगा। आज ये तो सोचो कि आपका संगठन जो आज 3-3.5 महीने पुराना है, आज उसकी इतनी ताकत है कि अगर मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री भी कोई भाषण देते हैं तो उनको आपके बिना उस भाषण की स्पीच को खत्म करने का मौका नहीं मिलता। यह आपकी ताकत इस प्रदेश में बनी है, मगर उस ताकत को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको नए साथियों को और मजबूती से लड़ना पड़ेगा। जहां 9 तारीख की घोषणाओं की बात थी, मैं तो शुरू हमेशा एक चीज से करता, जैसे चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि बूढ़े मर ना जाइयो पेंशन भेजूंगा, मैं तो युवा साथियों थक ना जाइयो, हर फैक्ट्री में 75वां हिस्सा आपका बनाने का काम करूंगा। और मैं एक चीज कहूंगा सभी युवा साथियों से, ये समय BJP और कांग्रेस की स्टेपनी बनने का नहीं है, ये समय जननायक जनता पार्टी का इंजन बनने का है। इंजन बन के अपने संगठन को आगे बढ़ाओ,
कि आने वाले भविष्य में सरकार चलाने में आपकी हिस्सेदारी हो, सरकार बनाने में आपकी हिस्सेदारी और इस प्रदेश की उन्नति में आपकी हिस्सेदारी हो। जहां बुजुर्गों के मान सम्मान की बात, खट्टर साहब बड़ी छाती चौड़ी कर कर कहते हैं कि हमने 2000 रुपए पेंशन कर दी। खट्टर साहब, बीज एक लगाया जाता है और वो बीज चौधरी देवीलाल का 100 रुपए का था, आज आप तो 2000 की बात करते हो, कई प्रदेश तो 3000 तक पहुंच गए। और हमारा प्रयास रहेगा कि ये एक सीरीज के हजारों में ना रहे, आने वाले भविष्य में 2 सीरीज के हजारों में भी हो और ऐसा भला टाइम आए कि लाखों रुपए पेंशन में भी बुजुर्गों को मिले। मगर इस पेंशन का नाम सम्मान पेंशन था। आपने तो और आपकी सरकार ने 5 सालों में बुजुर्गों का जो अपमान करने का काम किया, ये बुजुर्ग वो भूलेंगे नहीं। जो पेंशन 7 तारीख को खाते में आया करती थी, आज 21, 21, 22, 22 तारीख तक लोगों को इंतजार करना पड़ता है। और पेंशन लेने के लिए ये दुख गारे 2-2 महीने से को नहीं आवे, और ये तो वित्त मंत्री का है, जो खजाने की ताली रखता है उसका हल्का है। मैं तो एक चीज बोल दूंगा, 2 महीने वाला रोड़ा खत्म कर दूंगा, पहले हफ्ते में घर आके पेंशन देने की योजना दोबारा शुरू करने का काम करेंगे। और बुजुर्ग युवा साथियों, उसके साथ साथ जहां एक कर्मचारी, एक अधिकारी, एक प्राइवेट नौकरी करने वाला व्यक्ति 58 साल की उम्र में रिटायर होता है, वहीं हमारे किसान को, मजदूर को बुढ़ापा पेंशन 60 साल की उम्र में मिलती है। और सभी साथियों ने मिलकर निर्णय लिया था कि जिस दिन प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी, हमारी माताएं बहनें, क्योंकि गृहिणी है, काम का कोई साधन नहीं है, इनकी बुढ़ापा पेंशन की उम्र 55 और बुजुर्गों की 58 करने का काम आपकी पार्टी करेगी। और जहां किसान की बात ये सरकार करती थी, हमारे पत्रकार साथियों ने तो बिना कुर्ते के बीजेपी वाले नेता बहुत देखे हैं, कुर्ते उतार उतार कर प्रदर्शन किया करते थे, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करो लागू करो। आज ये हालात है कि स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को तो ये सरकार लागू नहीं कर पाई, मगर 6000 रुपए का एक झुंझुना हमारे किसानों के आगे लटका दिया, और ये सोच कर लटकाया कि किसान खुश होगा। बुजुर्गों युवा साथियों, ये चुनाव तक का झुंझुना है 2000 रुपए का, कई साथियों के खाते में 2000 आ गए होंगे, वो खुश भी होंगे मोदी जी ने 2000 रुपए भिजवाए। एक बार अपने खाते चेक कर कर बताओ कि 2000 तो आए, फसल बीमा के नाम के कितने हजार इन लोगों ने काटने का फसल से पहले काम किया है। ये तो जजिया है जो मुसलमान लगाया करते थे, ये तो वो लगान टैक्स है जो अंग्रेज हुकूमत लगाया करती थी कि फसल होने से पहले पैसे ले लिए जाए। अंग्रेज और मुसलमान तो ये देखते थे नुकसान कितना हुआ है, फायदा कितना हुआ है, मगर ये लोग तो आज के दिन आपकी जेब को पहले खाने का काम करते हैं और उसके बाद आपको पैसा दिलवाने का भी काम करते हैं। और बुजुर्गों युवा साथी, अभी पार्लियामेंट के अंदर मैंने उठाया, कितने 6 गांव के 400 किसानों के फसलों के बीमे के पैसे सरकार देने से मना कर रही थी, और जिस दिन पार्लियामेंट में उठाया, अगले दिन ही उस पर इंक्वायरी बनाकर उनके पैसे देने का काम किया। आज राखी गढ़ी के साथी आए, कहते हमारे आशियाने तोड़े जा रहे हैं और कह रहे हैं 100-100 गज के प्लॉट दे दिए जाएंगे, इस व्यवस्था को हम सहेंगे नहीं, आपका राज बनेगा तो इसमें परिवर्तन लाएंगे, और ये 100-100 गज नहीं, जितना आपका मकान है उससे 10 या 15 गज फालतू जमीन देकर आपके आशियानों को बनाने का काम करेंगे। मैं तो एक चीज जरूर कर्मचारी साथियों के लिए कहूंगा, बहुत से कर्मचारी साथी मेरा निरंतर धन्यवाद करने आए कि आपने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली करी। साथियों, बड़ा दुख होता है आपके साथ साझा करते हुए कि हमारे 40 जवान जो पुलवामा में शहीद हुए, ये पैरामिलिट्री के थे, और इनमें से अधिकतम साथी नई पेंशन योजना के तहत आते थे। मैंने जब पता किया तो आज ये हालात है उनके परिवारों के, आने वाले भविष्य के अंदर जो पैसा है उसकी भी पूरी मात्रा देने का काम बैंक और सरकार नहीं करेगी। और इसलिए आपकी पार्टी ने निर्णय लिया था कि जिस दिन सरकार बनेगी, 1 महीने के अंदर अंदर पुरानी पेंशन स्कीम की व्यवस्था इस प्रदेश में हम दोबारा लाने का काम करेंगे। मैं तो आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि अब यह संघर्ष की लड़ाई
कोई मेरी या दादा गौतम की या सरदार निशांत सिंह जी की अकेले की नहीं, ये संघर्ष की लड़ाई आपकी है। और आज से आपने मैदान में अपने आप को इस संगठन का हिस्सा नहीं, इस संगठन का नेता मानकर अपने संगठन को एक ताकत देने का काम करना है। मेरे को आगे कैथल भी पहुंचना था, मजबूरी है, समय की कमी है, और आप सबका भी निरंतर जो प्यार मिला है उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। और यही उम्मीद करता हूं कि तमाम साथी मिलकर संगठन को इसी मजबूती से आगे ले जाने का काम करेंगे। आप सभी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।